हेलो एवरीवन और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा झाड़ू पोछा हो चुका था, अब मैं नहा के आ गई हूँ। आज है पहला सोमवार सावन का, तो पूजा वगैरह करूँगी मैं जल्दी। सुबह मॉर्निंग में नहा ली थी और सूर्यांश अपने स्कूल जा चुका है। सूर्यांश का आज टेस्ट है 18 तारीख का, तो उसके टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। और वेदांश है, वो सो के उठ गया है, नीचे दूध पी रहा है बाबा के पास। तो मैं अपने बाल वगैरह सुखा लूँगी, बाल मेरे गीले थे। फ्रेंड्स, खाली झाड़ू पोछा ही हुआ है, अभी रूम वगैरह सही नहीं करा है। देखिए, बेडशीट नहीं बिछी है, कल मैंने धो के डाली थी बेडशीट और तकिए के कवर, तो मैंने टाइम नहीं मिला था मुझे, तो मैंने बिछा नहीं पाई थी, तो आज मैं बिछा लूँगी। फ्रेंड्स, तो वेदांश को भी अभी मुझे नहलाना है। पापा भी नहा के आ गए हैं, तो पापा बाहर पूजा कर रहे हैं। कपड़े मैंने नहाते समय ही धो दिए थे, तो वो कपड़े अभी सुखाने हैं, कपड़े भी नहीं सुखाए हैं मैंने। तो मैंने सोचा पहले नीचे थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, जब जाके सुखाऊंगी। अब मैं आ जाती हूँ कपड़े सुखाने। फ्रेंड्स, तो नहा के मैंने ऐसे ही आ गई थी, वैसे मैं डेली नहा के सुखाती हूँ कपड़े, आज नहीं सुखा पाई थी। वेदांश बुला रहा था तो नीचे चली गई थी, अब मैं कपड़े सुखा लूँगी सारे। हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही थी कि सारे कपड़े उड़ ही रहे थे। देखिए, आप सब देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। फ्रेंड्स, तो मौसम कुछ ठंडा ही था, धूप जा रही थी आ रही थी, ऐसे ही हो रहा था। तो सारे कपड़े मैं सुखा लूंगी। फ्रेंड्स, कपड़े मैंने सुखा लिए थे, फिर मैंने सोचा वेदांश को ही नहला देती हूँ। मैं छत पे हूँ तो वेदांश को मैंने बुला लिया था, वेदांश नहा लिया है। ठीक है, सीढ़ी पर क्या कर रहा है शैतानी, तो उसकी हमेशा चालू रहती है। मुझे डर लगता है कि सीढ़ियों पे ऐसे चलता है, कितनी बार गिर चुका है, 2-3 बार इसके पीठ में पीछे लग चुकी है, पर वो मानता ही नहीं है शैतानी करे हुए। तो वेदांश नहा लिया था, तो फिर मैं अब उसे कपड़े बाल कंघी कर लूँगी, उसे पाउडर वगैरह लगा लूँगी। फ्रेंड्स, वेदांश नहा लिया था तो मैं उससे पूजा करने को बोलती हूँ, माता जुखाओ भगवान जी के आगे। तो देखो कितने एक्शनबाजी करता है, फिर मम्मी जी भी पूजा कर लेंगे। फ्रेंड्स, तो मम्मी जी और वेदांश ही मंदिर जाएंगे, मैं नहीं गई थी, मैंने घर की ही पूजा कर ली थी। मम्मी जी की पूजा हो जाएगी तो मैं भी पूजा करूँगी, तो मैं भी पूजा की तैयारी कर रही थी। मम्मी और वेदांश मंदिर जाएंगे, जब जाके मैं पूजा करूँगी। फ्रेंड्स, और बेलपत्र आप लोग जानते होंगे, बेलपत्र के जो पत्ते होते हैं वो ज़रूरी होते हैं शिव जी भगवान जी को चढ़ाओ तो अच्छा होता है। फ्रेंड्स, मंदिर पर भी ले जाओ, तो मम्मी वो ही मेरे को दे रही थी, तो मेरे भी दिए थे और उनके भी दिए थे। देखिए, मम्मी जी मंदिर जा रही हैं, वेदांश बोला था आप भी चलो मम्मी, तो मैंने बोला अभी घर की पूजा हुई नहीं है, मैं बाद में जाऊँगी, आप लोग जाओ। तो मम्मी और वेदांश ही मंदिर दोनों चले जाएंगे मिलके। और सारा काम तो मेरा मॉर्निंग में हो ही चुका है, किचन का भी मैंने बर्तन वगैरह सुबह मॉर्निंग में साफ़ कर ले रहे नहाने से पहले, बस स्लैब रह गई है, वो मैं पूजा करने के बाद ही करूँगी। घर के पास में ही मंदिर है पीछे, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और देखिए, पापा जी ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं अपनी पूजा करती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए ऊपर चलती हूँ, आप लोगों को अपना मंदिर दिखाती हूँ। ये शिव जी भगवान जी, हमने उस दिन गए थे रावली मंदिर, मैंने आपको बताया था, शेयर करी थी, ब्लॉग बनाया था, वहाँ से ही लेके आया है, तो आज ही इनको न्यू रखा है, तो मैं उनकी पूजा कर लूँगी। फ्रेंड्स, आगरे में बहुत सारे मंदिर हैं, तो उन पर मेला लगा हुआ है। उस दिन हम लोग रावली गए थे, वहाँ पर भी लगा हुआ है, वहाँ पे तो नंबर ही नहीं आ रहा था भगवान जी को देखने का, तो गली में से सब लोग गए थे, तो उन्हीं लोगों ने बताया है। अब मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि वेदांत छोटा है, बच्चों के साथ नहीं जाया जाता।
फ्रेंड्स मेरी नीचे की तो पूजा हो गई थी, अब मैं ऊपर चलती हूँ तो सूर्य भगवान को जल दे दूँगी, उन्हें भी ज़रूरी है, उनके बिना भी कुछ नहीं। अब मेरा गला सूख रहा था बहुत ज़्यादा, तो अब मैं चलती हूँ किचन में, तो मैं पानी पी लूँगी। बोलते हैं कुछ खाने को हो या नहीं हो गर्मी में, पर पानी होना चाहिए, पानी से ही हम जीते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरे को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में मैं पीती ही रहती हूँ। तो मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख गया था, तो अब मैं पानी पी लूँगी। और मम्मी जी और वेदांत अभी नहीं आए हैं मंदिर से, वो आ ही रहे होंगे, मंदिर पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इस वजह से लेट हो गए। फिर मैं बाल वाल कंघी कर लूँगी, 4 बज चुके थे तो सूर्यांश को ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो मैंने उसे दूध वगैरह दे दिया था, वो ट्यूशन भी चला गया है। वेदांश नहीं गया, वेदांश ट्यूशन के टाइम सो गया था, तो वेदांश आज ट्यूशन नहीं गया है। तो मम्मी जी कुछ सब्ज़ी लेके आ जाती है ना, तो वो मैं फ्रीज में रख लूँगी, शाम का लेंगे आंटी सब्जी वगैरह, तो वो मैं फ्रीज में रख लूँगी, कुछ बनानी है तो वो बनाऊँगी फ्रेंड्स। वैसे मैं आज आलू के पराठे बनाने वाली हूँ और रायता, तो आलू उबालने रख दूँगी। जब तक आलू उबलेंगे, जब तक आलू बॉयल हो जाएंगे, तो मैं और कुछ काम है वो भी अच्छे से निपटा लूँगी। शाम का वक्त हो गया था फ्रेंड्स, तो वेदांत अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था, तो मैं झाड़ू लगा लूँगी। घर बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदा करके रखा था, स्कूल से आता है सूर्यांश, इधर कपड़े डाल उधर कपड़े डाल, जूते कहीं डाल, तो इतना गंदा कर देता है, दोनों ही मिलके बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। तो सारी चीज़ें मैंने संभाल के रख दी थी, अब पूरे घर में झाड़ू लगा के लेके आ जाऊँगी। झाड़ू भी मैंने लगा लिया था फ्रेंड्स, तो मैं अब नहाने चली गई थी, नहा के शाम की दियावाती करूँगी, तो अब मैं भगवान जी का दीपक भी जला लूँगी, कान्हा जी का। मैंने सोचा सुबह मॉर्निंग में मंदिर नहीं गई तो शाम को चली जाऊंगी, पर शाम को भी मैं नहीं जा पाती हूँ, शाम को भी फिर मेरा काम का वक्त हो गया था, फिर खाना बना के भगवान जी का भोग भी लगाना था, तो पूरा दिन मेरे को उसी में हो गया। और दोपहर में भी मेरे को लेट ही नहीं, 1 मिनट भी, बच्चों के चक्कर में ही पूरा दिन भर हो गया। वैसे भी आज व्रत है मम्मी जी और मेरा है, मम्मी जी को मना करो नहीं रहो नहीं रहो, पर मम्मी जी मानती नहीं है, तो मैं बोलती हूँ मैं रह तो रही हूँ, तो बोलती तू अपने लिए रह रही है, मैं अपने लिए, तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स, फिर भी वो मानती नहीं है, व्रत रहे बिना नहीं करती। और देखिए वेदांत भी आरती ले लेगा, और मैं नीचे का दीपक है वो भी रख के आ जाऊँगी गेट के पास। और आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, तो फिर मैंने उसमें हरा धनिया और हरी मिर्च मिला दी है, आज प्याज लहसुन का कुछ नहीं बनेगा, शुद्ध शाकाहारी खाना बनेगा बिना प्याज लहसुन के। आटा मैं छान लूँगी, फिर आटा छान के फटाफट जल्दी से गूंद लूँगी, उसमें नमक मिला लिया था मैंने, देखिए आटा भी गूंद चुका है। तो मैं खाने की तैयारी करती हूँ फ्रेंड्स, 7:30 बज चुके थे, तो फटाफट मैं आलू में नमक डाल दूँगी और लाल मिर्च डाल दूँगी और धनिया और हींग, और कुछ नहीं डालूँगी इसमें एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल में नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से आलू के पराठे बनाते हो फ्रेंड्स, और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। और देखिए मैं बना लूँगी, ये जीरा पीस रही हूँ मैं, रायता भी बनाया था मैंने, तो जीरा पीसी हूँ। सुबह की आलू की सब्ज़ी लगी थी, तो मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो सुबह की आलू की सब्ज़ी हो जाएगी। सुबह मॉर्निंग में पापा जी और उनके लिए मम्मी ने बनाई थी, और रायता और आलू के पराठे मैंने बना लिए थे। वैसे बच्चों को रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो तो खुश ही हो गए थे रायता बनाया था, उन्हें कुछ मत दो उन्हें रायता दे दो, तो उनका सब कुछ मिल गया दोनों बच्चों को, वो भी बिना मिर्ची का। तो मैं सबसे पहले खाना सीख के कान्हा जी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद वो बच्चों को दूंगी फ्रेंड्स। शाम का खाना खाने का भी टाइम हो गया था, तो बच्चों को दोनों को भूख लगी थी, तो वेदांत आता है मेरे पास, क्या मम्मा मुझे खाना दे दो, तो फिर मैंने ओला पीट देती हूँ बेटा, पहले भोग लगा लूँगी इसके बाद दूँगी। तो मैं पूजा ही कर रही थी, जब जाके वेदांत आ जाता है खाना खाने, और आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स, मेरा खाना रेडी है। सबसे पहले मैं कान्हा जी का भोग लगाऊँगी, उसके बाद दूँगी, तो वही मैंने भोग लगा दिया था, वही थाली वेदांत को दे दी थी, तो वेदांत खा लेगा। फिर मैं सूर्यांश के लिए भी सेक लूँगी बिना मिर्ची के पराठे। फ्रेंड्स जो सर्दियों में आलू के पराठे बनते हैं वैसे नहीं बनते हैं, और गर्मी में भी ये आलू करके रख दो तो वे एकदम पिघल से जाते हैं, तो अच्छे नहीं बनते हैं। सर्दियों में जो पराठे बनते हैं वो स्वाद भी नहीं है। मुझे तो सर्दियों के पराठे, आलू के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अभी के बना के खा लो पर वो स्वाद नहीं आता है।
एक सुपर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, इतना पसीने में मैं गीली हो गई थी बहुत ज़्यादा, हवा भी नहीं चल रही थी बाहर। और मैंने तो खाना रात को 10:30 बजे खाया है, मेरे को भूख ही नहीं लगी, मेरा बनाते बनाते ही पेट भर गया। मेरे को अंदर से मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का, एक सुपर मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मुंह में जो छाले होते हैं ना वो भी हो गए, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने एडिटिंग इतनी मुश्किल से करी है, मुझे ही मालूम है। और देखिए मेरे पराठे भी तैयार हैं, मैं सूर्यांश को थाली लगा लूँगी, सूर्यांश को दे के आऊँगी, वेदांश को तो दे दिए मैंने, फिर धीरे धीरे सबको खिला दूँगी, मम्मी जी को भी दूँगी, उनको भी दूँगी, वो भी आ चुके हैं, रूम में बैठे हैं वो भी। फ्रेंड्स सुबह मॉर्निंग से मेरा रूटीन शाम तक का तो इतना ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो गया था, इतना ज़्यादा, फिर मैंने छोटे छोटे शॉर्ट कर करके डाले हैं, और एडिटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर ज़्यादा बड़ा ब्लॉग डालो फिर लोग बोर होते हैं, तो फिर खुद ही अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने मेन चीज़ें हैं वो दिखा दी हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं अब चलती हूँ, सूर्यांश का भी खाना मैंने लगा दिया, तो सूर्यांश को खाना दे आऊँगी नीचे, तो दादी खिला देंगी उसको। और वेदांश ने तो खा लिया था, देखिए वेदांश तो टीवी देख रहा है मज़े से, और सूर्यांश को खाना दादी खिला रही हैं। सूर्यांश के बाद मम्मी जी को भी मैंने खाना दे दिया था, फिर पराठे मेरे बन चुके थे। अब मेरी किचन क्लियर करने को रह गई है और बर्तन साफ़ करना है, कुछ बोतल डली है पानी की वो भरनी है, तो फटाफट मैं अच्छे से किचन कर लूँगी। और मैंने पापा का भी खाना सेक के ही रख लिया था, मेरे को 8:30-9 बज गए थे, तो पापा का भी लगे हाथ मैंने खाना सेक के रख लिया। और सूर्यांश वेदांश ने और उनने और मम्मी जी ने सब ने खा लिया है, मैं और पापा जी रह गए हैं। मेरा तो बनाते बनाते पेट भर गया, तो मुझे भूख नहीं थी, तो मेरे बर्तन भी अब मैं सारे साफ़ कर लूँगी फ्रेंड्स, बर्तन भी सारे साफ़ कर लिए और किचन भी मैंने साफ़ कर दी है। और बच्चे दोनों टीवी देख रहे हैं। किचन का सारा काम तो मेरा हो गया था, बस कुछ बॉटल थी वो मैं धो के रख लूँगी, वह बच्चे हैं तो गिरा देते हैं कभी, कैसे भी हाथ लगा देते हैं तो वो गंदी हो जाती है, 1-2 दिन बाद उसमें हाथ मारना पड़ता है, तो मैं अब वो धुल के अंदर बाहर से धुल लूँगी। और कुछ सूर्यांश की एक बोतल है वो भी धोऊँगी, तो सारी रखूँगी फ्रेंड्स। और पोछा भी लगाना है, क्योंकि स्लैब से जो नीचे बर्तन मांजती हूँ वो पानी गिरता है, तो पूरी किचन गीली हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलेंगे।